इंडियम 3+, थेलियम 3+, एंटीमनी+5 एंड बिस्मथ+5। इनका अपने को ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर चेक करना था कि कौन ज्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन कम है। तो इसमें अगर अपन देखें पहले वाले ऑप्शन में इंडियम 3+ और थेलियम 3+, तो इनका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह इनको बिहेव करना है, मतलब दूसरे को क्या करना है, इसको ऑक्सीडाइज करना है, तो खुद क्या करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। तो इंडियम और थेलियम अगर देखोगे तो बोरोन फैमिली से बिलोंग करते हैं, और बोरोन फैमिली में अपने दो ऑक्सीडेशन स्टेट्स की बात की थी, +1 और +3, मतलब +3 यहाँ पे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है, +1 जो है लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो जैसे अपन बोल रहे हैं कि अपने को इनका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडाइजिंग पावर के बारे में बात करनी है, तो खुद क्या होने वाले, रिड्यूस होने वाले हैं। तो इंडियम जो है रिड्यूस होके जाएगा किसमें, इंडियम 3 से +1 में, और थेलियम जो है अपने पास जाएगा +3 से +1 में। अब तुमको वही देखना है कि +1 में कौन ज्यादा स्टेबल है, जो ज्यादा स्टेबल होगा +1 में वो इजीली चला जाएगा, मतलब उतना इजीली वो रिड्यूस होगा, और जितना इजीली वो रिड्यूस होगा दूसरे को उतना आसानी से ऑक्सीडाइज करेगा। तो थेलियम अपने को पता है कि बोरोन फैमिली में क्या आ रहा है, लास्ट एलिमेंट है, और जो लास्ट वाला एलिमेंट होता है उसके लिए लोअर वाले ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है एज कम्पेयर टू हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब थेलियम के लिए +1 ज्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू +3। तो ये +1 से +3 में इजीली चला जाएगा, मतलब ये इजीली रिड्यूस हो सकता है। तो अगर इजीली रिड्यूस हो सकता है तो दूसरे को उतनी आसानी से ये ऑक्सीडाइज भी कर देगा। तो एक तरीके से अपने पास जो है थेलियम+3, ये अपने पास क्या रहेगा, अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहेगा, क्योंकि ये प्लस वन में जाना चाह रहा है। कि अगर अपन बात करें किसकी, एंटीमनी एंड बिस्मथ, जो एंटीमनी है और बिस्मथ है दोनों अपने पास क्या है, नाइट्रोजन फैमिली से बिलोंग कर रहा है। तो नाइट्रोजन फैमिली में अपने दो ऑक्सीडेशन स्टेट की बात की थी, दैट इज +3 एंड +5। तो जो अपने पास +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, एक तरीके से हो गया लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, और +5 हो गया अपने पास हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इन केस ऑफ नाइट्रोजन फैमिली एलिमेंट्स। तो अभी अपने पास +5 में है, और इनका ऑक्सीडाइजिंग नेचर अपने को देखना है कि दूसरे को कितने अच्छे से ऑक्सीडाइज कर पाते हैं। तो खुद क्या होंगे, रिड्यूस होंगे, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी कम होगी। तो +5 से ये किस में जाएगा, +3 में जाएगा, और ये भी अपने पास +5 से किस में जाएगा, +3 में जाएगा। और जो जितने अच्छे से या जितने इजीली +3 में चला जाएगा उतना अच्छे से दूसरे को ऑक्सीडाइज कर पाएगा, मतलब उतना अच्छा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहेगा। तो बिस्मथ की अगर अपन बात करें, वापस वही बात आएगी कि जो बिस्मथ है अपने पास नाइट्रोजन फैमिली में लास्ट एलिमेंट है, मतलब 6th पीरियड का एलिमेंट है। तो यहाँ पे इनर्ट पेयर इफेक्ट लगेगा, और इनर्ट पेयर इफेक्ट के अकॉर्डिंग जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज +3, ये ज्यादा स्टेबल रहेगी एज कम्पेयर टू हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। मतलब बिस्मथ जो है +5 में ज्यादा स्टेबल है, सॉरी +3 में ज्यादा स्टेबल है लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट एज कम्पेयर टू +5। तो +3 में अगर ज्यादा स्टेबल है मतलब +3 में जाना चाहेगा, और जो ये अपने पास एंटीमनी है ये +3 में नहीं है, ये +5 में ज्यादा स्टेबल है, तो ये +5 से +3 में आना नहीं चाहता है। और जो कि बिस्मथ जो है अपने पास +5 से +3 में जाना चाहता है, मतलब ये रिड्यूस होना चाहता है, तो ये इजिली रिड्यूस होगा तो दूसरे को इजिली ऑक्सीडाइज करेगा, तो अपने पास इसका ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। तो इस तरीके से अपने पास आ जाएगा। तो ये दो ऑप्शन थे अपने पास। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो अपने जो इससे पहले लिया था अपने पास, शायद 3 और 8 का लिया होगा, मतलब हर ग्रुप में अपने पास हो गया। तो अपन ने देखा कि अपने पास जो 6th पीरियड में, जैसे अपन बात कर रहे थे कि बोरोन फैमिली में, तो बोरोन फैमिली में अगर अपन बात करें, कार्बन फैमिली में अगर अपन बात करें, और ऑक्सीजन फैमिली में अपन बात करें, तो यहाँ पे अपने पास एलिमेंट है बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम। यहाँ पे अपने पास कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। यहाँ पे अपने पास नाइट्रोजन फैमिली है, तो अपने पास आ जाएगा नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। ये अपने पास एलिमेंट्स हैं। तो अपन ने बोला था कि जो लास्ट में आते हैं अपने पास
लास्ट पीरियड वाले दैट इज सिक्स्थ पीरियड एलिमेंट्स, मतलब इसमें जो लास्ट एलिमेंट्स हैं इन सब एलिमेंट्स के लिए क्या है लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ज्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। और जो अपने पास ऊपर में एलिमेंट्स हैं दैट इज दीज एलिमेंट्स, तो इन सब एलिमेंट्स के लिए जो है अपने पास हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू लोअर वन। ठीक है, तो ये अपने पास इनर पेयर इफेक्ट है। इसका रीजन अपने देखा है कि इन सब में अपने पास जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है, जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है तो 6s के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं इंक्रीज हुए जेड इफेक्टिव की वजह से। तो मतलब अपने पास अगर ये एलिमेंट्स जो हैं हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स में हैं, जैसे थेलियम अपने पास प्लस 3 में आ जाए, पीबी अपने पास प्लस 4 में आ जाए, बिस्मथ अपने पास प्लस 5 में आ जाए, जो अपन एग्जांपल्स अभी ले रहे थे, तो जब ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेंगे तो ये हायर से लोअर में जाना पसंद करेंगे क्योंकि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, मतलब वो इजिली रिड्यूस हो जाते हैं तो दूसरे को इजिली ऑक्सीडाइज कर देते हैं। तो इन सब के थेलियम के, लेड के और बिस्मथ में के अगर अपने पास हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स के जो कंपाउंड्स हैं, कुछ कुछ कंपाउंड्स बन जाते हैं इनके हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स के, उनकी भी अपन बात करेंगे कौन कौन से कंपाउंड है जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में भी बन सकते हैं। तो इनकी जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के कंपाउंड्स होते हैं तो वहां पे अपने पास वो जो एलिमेंट्स रहेगा थेलियम, लेड, बिस्मथ, तो हायर से लोअर में जाना पसंद करता है, मतलब वो इजिली रिड्यूस हो जाता है, दूसरे को इजिली ऑक्सीडाइज कर देता है, तो वो अच्छे क्या होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। तो अपन ने लिखने वाले यहाँ पे कि सो, उस क्वेश्चन के बाद लिखना सो कंपाउंड्स ऑफ थेलियम प्लस 3, पीबी प्लस 4 एंड बिस्मथ प्लस 5 आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ये सब अपने पास क्या होते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं क्योंकि इनको लोअर में जाना पसंद होता है, रिड्यूस होना पसंद होता है, तो इस ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर कंपाउंड्स रहेंगे तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स रहेंगे। ठीक है, तो ये था अपने पास जो अपन ने क्वेश्चन किया उससे ये पॉइंट अपन रिलेट करके लिख दे रहे हैं। अब जैसे अपन ने बोला कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स में भी इनके कुछ कंपाउंड्स मिलते हैं, वो कौन कौन से हैं उनके बारे में अपन डिस्कशन कर लेते हैं थोड़ा सा, कि लास्ट एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13, 14 and 15 जहां जहां पे इनर्ट पेयर इफेक्ट लगता है। तो ग्रुप 13 में अपने पास थेलियम हो गया, ग्रुप 14 में लेड हो गया, ग्रुप 15 में अपने पास बिस्मथ हो गया। फॉर्म कंपाउंड्स इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ओनली विथ, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ओनली विथ highly electronegative elements like fluorine and oxygen। तो जो अपने पास बोल रहे थे कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में ये एलिमेंट्स क्या होते हैं, मतलब उतना ज्यादा स्टेबल नहीं होते हैं, मतलब थेलियम प्लस 3 में, लेड प्लस 5 में, सॉरी थेलियम प्लस 3 में, लेड प्लस 4 में और बिस्मथ प्लस 5 में उतना ज्यादा स्टेबल नहीं है, तो इनके कंपाउंड्स भी इन ऑक्सीडेशन स्टेट में जनरली बनते नहीं है। कहां बन सकते हैं, तभी बन सकते हैं जब अपने पास क्या हो, इनके साथ जो दूसरा एलिमेंट रहेगा वो अपने पास क्या हो, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, जैसे फ्लोरीन हो गया या फिर ऑक्सीजन हो गया, क्योंकि अपने को पता है कि फ्लोरीन और ऑक्सीजन जो है इनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी काफी ज्यादा होती है। फ्लोरीन अपने पास क्या है मैक्सिमम में पीरियोडिक टेबल में, और ऑक्सीजन अपने पास क्या है सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ऑक्सीजन अपने पास सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो ये लोग क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को रखना पसंद करते हैं, मतलब जो इनके साथ वाला एलिमेंट रहेगा उसको ये पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में लाना पसंद करते हैं। तो अगर फ्लोरीन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, तो इनकी इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी काफी ज्यादा होती है, तो दूसरा जो एलिमेंट है उसको ये मैक्स टू मैक्स ऑक्सीडेशन स्टेट में पहुंचा सकते हैं। एक और चीज अपन बॉन्डिंग के बेसिस पे एक्सप्लेन कर सकते हैं जो तुमने अभी पढ़ा नहीं, तो थोड़ा रिलेट नहीं कर पाओ, लेकिन मैं फिर भी बता दे रहा हूँ, थोड़ा रिलेट करने की कोशिश करना, कि जो अपने पास फ्लोरीन और ऑक्सीजन होता है रिलेटिवली इनकी साइज क्या होती है, कम होती है,
कि अपन पीरियड में बोलते हैं कि लेफ्ट टू राइट जाने पे अपने पास क्या होता है, एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है। तो सेकेंड पीरियड में अगर अपन देखें तो फ्लोरीन और ऑक्सीजन क्या एकदम लास्ट में है, तो इनकी साइज रिलेटिवली कम रहेगी। तो कोई भी एलिमेंट है अगर फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाता है या ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाता है तो बॉन्ड की साइज जो रहती है वो छोटी रहती है, मतलब बॉन्ड का जो लेंथ होता है वो कम होता है। और जब भी बॉन्ड लेंथ अगर अपने पास कम रहती है तो उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए अपने कुत्ता एनर्जी देना पड़ता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि फ्लोरीन और ऑक्सीजन जो है रिलेटिवली ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं तो वो मॉलिक्यूल को क्या कर सकते हैं, स्टेबलाइज कर सकते हैं इवन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में भी इन एलिमेंट्स के साथ। और ये तो ध्यान रख ही सकते हो क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट तो अपन पढ़ ही चुके हैं या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी अपन पढ़ चुके हैं कि फ्लोरीन हुआ या ऑक्सीजन हुआ तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो ये लोग अपने पास क्या करते हैं जो ये थेलियम है, लेड है, बिस्मथ है, ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं जाना चाहता, लेकिन फ्लोरीन और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी इतनी ज्यादा है कि ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में भी ले जाके कंपाउंड्स को बना देंगे। ठीक है, तो फ्लोरीन ऑक्सीजन के साथ ही इनके मेनली कंपाउंड्स मिलते हैं किसमें, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में, मतलब थेलियम के लिए +3, लेड के लिए +5, लेड के लिए +4 और बिस्मथ के लिए +5। तो कुछ एग्जांपल्स भी अपने पास, जैसे कि ऐसे कंपाउंड्स का अगर अपन एग्जांपल देखें तो एग्जांपल में अपने पास आ जाएगा TLF3। यहाँ पे देख सकते हो थेलियम +3 में है, TL2O3 यहाँ पे भी थेलियम +3 में है। अपन बोल रहे कि +3 उतना स्टेबल नहीं है, उसके लिए +1 ज्यादा स्टेबल है बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट, लेकिन फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ इसके +3 में भी कंपाउंड मिल रहा है। ऐसे लेड की बात करोगे तो PbF4 और अपने पास बिस्मत का जैसे BiF5 भी एग्जिस्ट करता है, NaBiO3, यहाँ पे सोडियम तो मेटल हो गया तो Na प्लस में चला जाएगा, BiO3 माइनस हो जाएगा वो। अच्छा, एक और कंपाउंड है क्लोरीन के साथ भी एग्जिस्ट करता है, PbCl4, यहाँ पे क्लोरीन है, क्लोरीन का भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, ये सॉरी 3 होता है, बस उसका साइज थोड़ा ज्यादा है, तो क्लोरीन के साथ भी बन जाता है जैसे PbCl4 बन रहा है। तो एग्जिस्ट इन नेचर, ये सब एग्जिस्ट कर रहे हैं, बट कंपाउंड्स लाइक PbI4, PbBr5, BiI5, BiCl5 etc. do not exist. ये सब एग्जिस्ट नहीं करते हैं क्योंकि यहाँ पे अगर निकाल लोगे, अगर एग्जिस्ट करता तो यहाँ पे लेड +4 में आता, यहाँ पे लेड PbR4 ही रहेगा, +5 में जाता नहीं है ये। तो यहाँ पे भी अगर अपन +4 होता, PbR4 एग्जिस्ट करता तो Bi5 भी अगर एग्जिस्ट करता तो यहाँ पे भी अपने पास बिस्मथ जो है वो +5 में ही आता। और क्लोरीन यहाँ पे देखोगे तो क्लोरीन के साथ +5 में आता अगर एग्जिस्ट करता तो, लेकिन आयोडीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, क्लोरीन हो गया, इन सब की इतनी ज्यादा टेंडेंसी नहीं है कि उनको हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबलाइज कर सके। वो पावर सिर्फ अपने पास ऑक्सीजन और फ्लोरीन के पास ही होती है क्योंकि उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी ज्यादा है। ये हो गया अपने पास कि जो लास्ट एलिमेंट्स हैं वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा स्टेबल नहीं है, तो सिर्फ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ ही बॉन्ड बनाते हैं, दैट इज फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन के साथ ही मोस्ट ऑफ द एलिमेंट मिलेंगे उनके हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो ये हो गया अपने पास। एक एलिमेंट और अपने पास TLI3। तो यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो तुमको लगेगा कि अपने पास जो आयोडीन है -1 में रहेगा, अगर 3 आयोडीन है तो अपने पास -3 चार्ज हो जाना चाहिए, और इस हिसाब से अगर सोचोगे तो थेलियम पे कितना आना चाहिए +3। और मैं अभी बोल रहा था कि अपने पास आयोडीन हुआ, ब्रोमीन हुआ, आयोडीन हुआ, तो इन सब के पास इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा नहीं है कि अपने पास थेलियम, बिस्मथ, लेड इन सबको हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबलाइज कर सके। तो यहाँ पे भी ऐसा नहीं है, यहाँ पे भी आयोडीन ही तो है, तो आयोडीन के पास इतना पावर नहीं है कि वो थेलियम को हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में ले जा सके, मतलब +3 में ले जा सके। तो यहाँ पे एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं है, ये जो अपने पास होता है इस तरीके से एग्जिस्ट करता है कि थेलियम पे +1 ही है जो कि उसका स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, और जो ये 3 आयोडीन है तीनों आयोडीन पे मिला के -1 है।
तो ये इस तरीके से एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे अपने पास थेलियम प्लस थ्री नहीं है, थेलियम माइनस वन ही है, तो ऐसे एग्जिस्ट करता है। और इसको अपन बोलते हैं ट्राई आयोडाइड आयन, कि तीन आयोडीन पे मिलके माइनस वन है। तो ये दिखने में तुमको लगेगा कि थेलियम प्लस थ्री है, क्योंकि आयोडीन पे अपन जनरली बोलते हैं कि माइनस वन होता है। तो ये थोड़ा याद ही रखना पड़ेगा कि यहाँ पे थेलियम प्लस वन है और तीन आयोडीन पे मिला के अपने पास क्या है, माइनस वन ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो ये था अपने पास इनोपेयर इफेक्ट में। सर ये सिर्फ आयोडाइड के साथ ही होता है सर, सर ट्राइक्लोराइड या ट्राइब्रोमाइड नहीं बन सकता? नहीं 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 सर, नहीं बनेगा सिर्फ आयोडाइड, सर पर ये बिस्मथ के साथ भी वैसे ही बना लेगा? नहीं नहीं सिर्फ इसी के साथ बनता है। देखो स्टेबल होने के लिए काफी सारे फैक्टर्स होते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी की अपन बात करें तो उसको तीन तरीके की स्टेबिलिटी गेन करना पड़ता है, वो अपन बॉन्डिंग में डिस्कस करेंगे। थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी मतलब एनर्जी मिनिमाइज होनी चाहिए पॉसिबल। इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी जो अपन क्वांटम नंबर में देखते हैं कि फुल्ली फिल्ड है हाफ फिल्ड है तो ज्यादा स्टेबल है। एक अपन देखते हैं सिमेट्री वाइज स्टेबिलिटी, कि अगर ऑक्टाइडल ज्योमेट्री आती है या टेट्राइडल ज्योमेट्री आती है तो वहां पे सिमेट्री मैक्सिमम होती है, तो वो भी एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो स्टेबिलिटी से रिलेटेड होता है कौन एग्जिस्ट करेगा कौन नहीं करेगा। ये दिक्कत होती है अपने को, इसीलिए याद भी करना पड़ता है कौन सा कंपाउंड नहीं एग्जिस्ट कर रहा है कौन सा कर रहा है। तो वो उसके ऊपर है, अपने को एक्सप्लेन करने का काम है। तो इसके अलावा बाकी कोई नहीं बनता है, तो तुमको ये ध्यान रखना पड़ेगा TLI3। ओके हाँ, एक और चीज यहाँ पे है लास्ट, इसको तुम यहीं से रिलेट कर सकते हो। देखो कैसे इसको, देखो अपन ऐसे ही बोलते हैं कि अपन बोल रहे कि जो ऊपर वाले एलिमेंट्स हैं इनके लिए हायर वाली ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है, और जो नीचे वाले एलिमेंट्स हैं इनके लिए लोअर वाली ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है। तो कभी कभी तुमको ऐसा भी बोला जा सकता है कि अगर अपन टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, अगर ग्रुप पे अपन टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, तो टॉप टू बॉटम जाने पे अपने पास स्टेबिलिटी ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ये इंक्रीज हो रही है। अब इसको कैसे रिलेट करोगे? देखो अपन ने क्या बोला कि ऊपर वालों के लिए हायर ज्यादा स्टेबल है, नीचे वालों के लिए क्या लोअर ज्यादा स्टेबल है, मतलब ऊपर से नीचे जाने पे क्या हो रहा होगा, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ती जा रही होगी, और लास्ट वाले एलिमेंट में जाके क्या होगा, लोअर वाला ज्यादा स्टेबल हो गया किससे, हायर से। तो कभी कभी ऐसे भी कंपेयर करवा देता है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आएंगे उसकी भी अपन बात कर लेते हैं। वो तुमको देखो ऐसे क्वेश्चन देगा कि जैसे अपने पास इसी फैमिली में अपन देख ले बोरॉन फैमिली में, तो यहाँ पे वो सब एलिमेंट को दे देगा लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में। जैसे तुमको लिख देगा कि बोरॉन प्लस वन, थेलियम प्लस सॉरी बोरोन के बाद क्या एल्यूमिनियम प्लस वन, गैलियम प्लस वन, इंडियम प्लस वन और थेलियम प्लस वन, कि इन सब में स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या रहेगा। तो अपन तो जानते हैं कि थेलियम तो प्लस वन में ही ज्यादा स्टेबल होता है प्लस थ्री से भी, तो इसके लिए सबसे ज्यादा रहेगी और डाउन द ग्रुप जाने पर बोल रहे कि इंक्रीज करेगा। और ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल मतलब ऐसा देखा भी जाएगा इनके कंपाउंड्स में कि बोरोन प्लस वन और प्लस थ्री में कंपाउंड बनाता ही नहीं है, प्लस वन और प्लस वन में बोरोन का प्लस वन में और एल्यूमिनियम का भी प्लस वन में कोई कंपाउंड नहीं मिलता है, ये सीधा प्लस थ्री में ही कंपाउंड बनाते हैं। लेकिन अपने पास अगर इनको देखोगे गैलियम हो गया, इंडियम हो गया, थेलियम हो गया, इनके प्लस वन में कंपाउंड बनते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है कि अपन बोल रहे हैं कि इनर्ट पेयर इफेक्ट लग रहा है, तो थेलियम के लिए जो है प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट्स वाले कंपाउंड ज्यादा स्टेबल रहेंगे, और इन दोनों के लिए अपने पास हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है तो प्लस थ्री वाले कंपाउंड ज्यादा स्टेबल रहेंगे। तो ये था अपने पास कि डाउन द ग्रुप जाने पे लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ती जा रही है और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी कम होती जाएगी। तो स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस, ये भी वही बात हो गई कि नीचे जाने पे क्या हो रहा है, हायर वाला ज्यादा स्टेबल हो जा रहा है, मतलब लोअर की स्टेबिलिटी बढ़ती जा रही है, हायर की क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो इसी को तुमसे ऐसे पूछा जा सकता है कि जैसे तुमको बोल दिया जाए तुमको कंपेयर करना है किसके लिए, नाइट्रोजन प्लस फाइव, फॉस्फोरस प्लस फाइव, आर्सेनिक प्लस फाइव, एंटीमनी प्लस फाइव एंड बिस्मथ प्लस फाइव। अब तुमसे पूछ लिया जाए कि ऑर्डर क्या रहेगा, तो जैसे अपन बोल रहे कि डाउन द ग्रुप जाने पे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी कम होती है, मतलब नाइट्रोजन प्लस फाइव में सबसे ज्यादा स्टेबल है और अपने पास बिस्मथ सबसे कम है, वैसे भी अपन बोल ही रहे कि बिस्मथ के लिए तो प्लस थ्री ज्यादा स्टेबल है प्लस फाइव कम स्टेबल है। तो इस तरीके से भी पूछे जा सकते हैं। तो ये भी दो इंपॉर्टेंट और
रिलेशन है अपने पास कि डाउन द ग्रुप जाने पे लोअर का स्टेबिलिटी बढ़ता है और हायर का क्या होता है कम होता है इन अ पर्टिकुलर ग्रुप. एक पर्टिकुलर ग्रुप में अपन बात करें तो कि बोरोन फैमिली के सारे एलिमेंट्स के लिए बात करें लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट को लेके तो डाउन द ग्रुप जाने पे इंक्रीज करेगा. बोरोन फैमिली में ही अगर अपन सबको हायर में लेके कंपेयर करें तो डाउन द ग्रुप जाने पे डिक्रीज करेगा. ऐसे कार्बन के लिए बोल सकते हो और ऐसे ही नाइट्रोजन के लिए भी बोल सकते हो.